हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्टर एंड वेलकम टू केमिस्टर केमिस्ट्री। देखिए, आपके ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि सर बी फार्मा के बारे में बताइए, बी फार्मा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग के बारे में बताओ सर ये कैसी होती है, क्या होती है, ये बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर बीएससी नर्सिंग के अलावा बीएमएलटी के बारे में बता दीजिए, कोई पूछ रहा है बीपीटी के बारे में बता दीजिए और बीएमआरआईटी के बारे में बता दीजिए। इस तरीके से आप रोजाना इस तरीके के, खास तौर से ऑफलाइन स्टूडेंट आप लोग और ऑनलाइन भी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिक्स क्या होते हैं, इनके छोटी छोटी जानकारी, बेसिक जानकारी कि इनमें क्या होता है, क्या करना होता है, कितनी सैलरी आपकी हो सकती है, करनी चाहिए, कौन सा बेहतर है, वगैरह वगैरह क्लियर कर देने वाला हूं आपको। देखिए जरा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात देखिए बी फार्मा के लिए लेते हैं। आप पूछ रहे हैं कि बी फार्मा क्या होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पहली पॉइंट आप ले लेते हो बी फार्मा को। चलिए क्या होता है बी फार्मा, देखिए इसके अंदर आप फार्मेसिस्ट बनते हैं और फार्मेसिस्ट के अंदर आप जो है वो बैचलर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपको अपना स्टोर खोलना, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं आप। सबसे पहली बात इसको करने के बाद, जैसे कपड़े की दुकान खोलनी होती है, उनमें कोई लाइसेंस नहीं होता, खासतौर से हल्के फुल्के लाइसेंस होते हैं बाकी दुकान के अंदर, लेकिन ये जो है आपका जिसको बी फार्मा करने के बाद आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो इसके लिए आपको बी फार्मा पहले करना पड़ेगा। मतलब ये है इससे आपका लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर के लिए, ठीक है जी। दूसरा, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, कंपनी जहां पे जो मेडिसन्स है, मेडिसन्स का काम होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे आप काम कर सकते हैं, और किसी कंपनी के अंदर किसी और आप दूसरी जॉब के अंदर आप यानी कि सप्लाई कर सकते हैं, इनकी सप्लाई कर सकते हैं कि भाई दवाई जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रही है, स्टोर पे जा रही है, उस काम को भी आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हालांकि ऐसा भी होता है फूड इंस्पेक्टर की भी जॉब यहाँ पे होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है यूपीएससी के एग्जाम वहाँ पे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है जी। ये लेकिन जनरल स्कोप मैंने आपको बताया कि स्टोर हो गया आपका, कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हैं और दवाई सप्लाई वगैरह होगी, और कंपनी में आप वहां पे जहां दवाई बनती है वहां पे भी आप रह सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कितनी कमाई अर्निंग करते हैं स्टोर, जैसे स्टोर का कोई लिमिट नहीं है और आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं उसी तरीके से। लेकिन एक जनरल कंपनी में, एक जनरल की बात करूं, खैर बी फार्मा कई तरीके से होता है, किसी ने गवर्नमेंट से करा है, प्राइवेट से करा है, लेकिन एक एवरेज की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी कमाई होती है। वो आप इस तरीके का सवाल आप कर रहे हैं तो आपको बता दी जाए कि हो सकता है, लेकिन जो जनरल कमाई है वो 20,000 के अराउंड है बच्चों। 20,000 मान लो आप कंपनी में लग रहे हैं, सामान्य रूप से आपने कहीं से बी फार्मा किया इस तरीके से, तो आपका ये सवाल है 20,000 के आसपास आप अपनी कमाई मान सकते हैं पर मंथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कमाई इसकी जो है वो लाखों में भी होती है, लेकिन बहुत कम, रियर केसों में, बहुत रियर केसों में, एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा भी नहीं है कि 20,000 किसी ने स्टोर खोल लिया, हो सकता है उसे 20,000 के प्रॉफिट ना आए, और ऐसा भी हो सकता है स्टोर के अंदर 50,000 का प्रॉफिट आ जाए, लेकिन 20-30,000 का एवरेज है, ठीक है जी। अच्छा, इससे आप ये कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद बीएससी नर्सिंग की। दूसरा हमारा है कोर्स बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर आपको, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको बता देंगे कि बी फार्मा कर लो और वहां पे आपका 50,000 की इनकम है, 1,00,000 की इनकम है, 2,00,000 की, आपको कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन ज्यादातर जो डाटा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, एक एवरेज, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग के अंदर जो होता है साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई कर लिया आपने, पेशेंट की देखभाल कर ली, ठीक है, खास तौर से बीएससी नर्सिंग का मतलब है देखभाल करना, आप देखभाल करते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में ही आप अपनी जॉब करेंगे, ये ध्यान रखना, आप खुद का क्लिनिक वगैरह ओपन नहीं कर सकते, ना आपके नाम में डॉक्टर लगता है, ना आपका अपना खुद का क्लिनिक नहीं बना सकते, क्लिनिक नहीं कर सकते बीएससी नर्सिंग के आधार पर, और दूसरा आपके नाम में डॉक्टर भी नहीं लगता है, बस आप ये कह लीजिए देखभाल कर लेते हैं पेशेंट की, हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, साफ सफाई हर, डिपेंड करता है अलग अलग, एक एवरेज की बात करूं, अगर आपने बीएससी जो है वो एम से करी है, जैसे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, जैसे लड़कियां हैं उन्होंने एमएनएससी करी है, लड़कों को एमएनएससी नहीं करते, एमएनएससी आपने बीएससी नर्सिंग करी है, तो वहां पे अगर आपने एम से यहां से करी है तो वहां पे सैलरी जो होती है वो काफी अच्छी खासी होती है, लाखों के राउंड भी पहुंच जाती है सैलरी, ठीक है जी। लेकिन जनरल की अगर बात करूं, अब सब तो जनरल वहां से, या बीएचयू से कर लिया आपने, मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो वहां से आपकी सैलरी लाखों के अंदर पहुंच सकती है, लेकिन जनरल की बात कर रहे हैं, जैसे किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लिया ऐसे ही, और किसी हॉस्पिटल में जनरल में लगते हैं, तो मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग 15,000 के आसपास, 15-20,000 रुपए वही सैलरी एक महीने का आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो बीएससी नर्सिंग का स्कोप था, आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तीसरी बात, अब ये कोई फिक्स नहीं है कि 15-20,000, फिर से बता दूं आपको, ये एक एवरेज डाटा है,
ऐसा भी है, हम बीएससी नर्सिंग के ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी 10,000 रुपए है, ऐसे भी है जिनकी 12,000 भी है, और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनकी 40,000 भी है, ऐसे भी है इनसे ज्यादा वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो लगभग लगभग आप मान के चलिए 15-20,000 का एवरेज है, ठीक है जी। अगर यहां से कर ली तो ज्यादा है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही, यानी कि सीनेट आपने दिया है, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग करी तो वहां पर आपका अच्छा स्कोप है, बाकी प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद एक नॉर्मल हॉस्पिटल में लगोगे तो फिर इस तरीके की स्थिति बन जाती है, ठीक है जी। 20,000 के राउंड आप मान लो उसमें ऊपर नीचा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे कोर्स की तरफ, जैसे आपने बीएमएलटी कर लिया, अब यहां पे बीपीटी ले लेते हैं। चलिए बीपीटी, बीपीटी क्या होता है, बीपीटी के अंदर आप फिजियोथेरेपी करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं वहां पे, ठीक है। कोई पेशेंट है, पेन हो रहा है उसके अंदर, उसके पेन है, और इस तरीके से आप एक्सरसाइज के माध्यम से और फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है जी। तो ये तो बीपीटी की कहानी है, लेकिन यहां पे आप नाम के अंदर ब्रैकेट में आप डॉक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरीके से तो डॉक्टर यहां पे भी नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पे डॉक्टर लगा सकते हैं, हाँ आप ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बीपीटी लिखने के बाद ब्रैकेट में आप बीपीटी लिख सकते, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या कमाई है, आप खुद की जो कर सकते हैं, खुद का ये कह लीजिए कि आप खुद की दुकान कर सकते हैं, वहां पे जनरली आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह जो पेन के पेन हो रहा है किसी को, इस तरीके से जहां पे किसी को थेरेपी की जरूरत है, आप वहां पे नॉर्मली अपनी फीस रख सकते हैं, और वहां पे आपके पास पेशेंट आते हैं, वो जितने पेशेंट देख लोगे उतनी ही आपकी फीस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होगी, लेकिन एवरेज वही है। ऐसे भी बीपीटी होते हैं, हम ऐसे बीपीटी को जानते हैं जिनकी जो सैलरी है, यानी कि जो महीने में 10,000 रुपए अर्न करते हैं, और ऐसे बीपीटी भी है हम जानते हैं जिनकी अर्निंग 30,000 रुपए के आसपास भी, डिपेंड करता है 10,000 12,000 15,000 एक एवरेज है, 10-20,000 इसका एक एवरेज, वही सभी का एवरेज अप्रोक्सीमेट इतना ही है, एवरेज तो 20,000 के आसपास मान लीजिए अब लगभग सभी का। आगे चलिए इसके बाद बीएमएलटी क्या होता है, बीएमएलटी करने के बाद आप लैब पैथोलॉजी है ना, लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब जैसे आपने देखा होगा कि खून की जांच होती है, बुखार होता है तो वहां पे खून की जांच हो रही है, क्या आपकी टाइफाइड की जांच, इस तरीके से आप लैब ओपन कर सकते हैं, लैब ओपन कर सकते हैं या किसी लैब के अंदर लग सकते हैं। लैब के अंदर लगोगे तो फिर वही सैलरी 10-20,000 के राउंड, लेकिन ओपन करोगे तो फिर तो आप कितना भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना वहां पे खुद की लैब ओपन करने के लिए आपको 40 लाख रुपए के आसपास, मशीनें महंगी होती हैं, इस तरीके से आपको खर्चा आ ही जाता है, 40-50 लाख रुपए भी खर्चा आ जाता है अगर अच्छी लैब करोगे। आगे चले इसके बाद अगला देखिए बीएमआरआईटी, इसके अंदर क्या करते हैं आप, इसके अंदर जो आपकी बीएमआरआईटी होता है, तो आप ये कह लीजिए जैसे कि आपके एक्सरे हो गए, आपकी अल्ट्रासाउंड हो गए, इस तरीके से आप इनके अंदर जाते हैं, यानी कि आप जो है रेडियोलॉजी की टेक्निक्स जो होती हैं उनका इसका सहारा लेते हैं और उनके माध्यम से आप काम करते हैं अपना। अगर बच्चों बात करें कि अब करना कहाँ से चाहिए, देखिए आपने जैसे बी फार्मा है उसको कर लिया, ऐसे भी टीचर्स हैं, बहुत से लोग टीचिंग में भी चले जाते हैं कहने का मतलब इन चीज़ों को करने के बाद, और ऐसे भी लोग हैं बी फार्मा करे हुए जो स्टोर खोलते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई कोर्स करना है इनमें से और अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है, अपनी लेवल वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज को पकड़ना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो फिर मैंने आपको बताया 20,000 रुपये के आसपास अपना कैरियर आप मान के चलिए कि आप पर मंथ 20,000 रुपए अर्न करने की एक एवरेज मान के चलिए अपना। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हैं तो आप तकड़ा स्कोप देखेंगे वहां पे, इसलिए कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से किसी भी चीज को करें, वहां पे आपका बेहतर स्कोप बढ़ जाएगा, आपके लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है होपफुली आपको समझ में आई होगी, कोई और जानकारी फिर भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।